तो विंटर्स आ चुके हैं एंड विंटर्स के लिए मैं अपना पहला डीआईवाई लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी पुरानी स्वेटर्स हैं, पुरानी ना कहे, आपके पास बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी ड्रॉ स्वेटर्स हैं और आप उन्हें पहन के बोर हो चुके हैं, तो आप उन्हें एक न्यू लुक कैसे दे सकते हैं, आज का वीडियो उसी के बारे में। ओके, सो ये जो स्वेटर था ये बहुत प्लेन था, ऊपर तक इसका नेक था, फुल नेक था इसका, तो मैंने इसे ऑफ शोल्डर बना दिया है और इस पर पल्स लगा दिए, तो ये काफी न्यू एंड स्टाइलिश हो गया है। सो इसी तरीके से आप भी अपने कुछ बोरिंग स्वेटर है उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड फिर से एक न्यू लुक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। ऑल्सो मेरे पास आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑफर है इस वीडियो के एंड में, तो उसके लिए वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। एंड जब तक शुरू करते हैं डीआईवाई वीडियो से, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, हैंडल्स ये रहे यहीं कहीं पे। एंड या सबसे पहला स्वेटर है पॉम-पॉम क्रॉप स्वेटर, उसके लिए हमें बनाने हैं पॉम-पॉम। तो मैंने वेडिंग कार्ड के दो कवर्स लिए हैं, इनको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर सेलो टेप से मैं चिपका दूंगी। तो इस तरीके से हमने ये दो प्रिपेयर कर लिए हैं, दोनों सेम ही साइज के हैं। के बाद में मैंने ये थिक कवर लिया है जो भी आप किसी कार्टन में से निकाल सकते हैं। मैंने ये ग्लास लिया है, ये इतना ब्रॉड होना चाहिए जितना हमें बड़ा पॉम-पॉम बनाना है। तो मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसकी शेप ड्रॉ कर लूंगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारे सर्कल्स रेडी हैं, मैंने इन दोनों के बीच में होल भी बनाया है। अब हम इन दोनों को लेंगे साथ में और जो हमारा वुलन थ्रेड है इसके ऊपर रखेंगे। पहले हम लोग एक नॉट बांधेंगे, उसके बाद में इस तरीके से लपेटना शुरू करेंगे। तो इसे हमें 70 टाइम्स इसे रैप करना है, उसके बाद में इस थ्रेड को लेके हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर एक नॉट बांध लेंगे। अभी हमें नॉट नहीं बांधनी है, अभी हम इसे सिर्फ डायरेक्ट निकालेंगे। इस थ्रेड को हम लोग काटेंगे नहीं, इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसके बाद मैं फिंगर प्लेस करके इसे इस तरीके से काट लूंगी। कुछ इस तरीके का हमारे पास आ गया है। अब हम अपना सर्कल लेंगे, उसमें ये थ्रेड प्लेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे इस तरीके से अरेंज करेंगे लाइक दिस। अब हम दूसरा सर्कल लेंगे और इसे इसके ऊपर प्लेस करेंगे। सर्कल के बाहर जितना भी वुलन बचा हुआ है हम इसे काट लेंगे। ध्यान दीजिए काटते टाइम आप इसे फोल्ड करके इस तरीके से रख लीजिए ताकि ये ना कटे। अब हम इसे रिमूव करेंगे, अपने थ्रेड को इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब मैं इसे इस तरीके से होल्ड करूंगी और इस तरीके से अरेंज करूंगी इस बार दूसरी तरफ। अभी आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं हुआ है, तो फिर से मैं इसको प्लेस करूंगी इधर की तरफ, फिर से दूसरे सर्किल को दूसरी तरफ प्लेस करूंगी और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लूंगी। अब हम फिर से इसे रिमूव करेंगे और थ्रेड को निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा पॉम-पॉम बिल्कुल बराबर हो चुका है। अगर आपको एक दो थ्रेड एक्स्ट्रा दिखता है तो आप इसे कट कर लीजिए, अदरवाइज ये काफी बराबर हो चुका है। तो 5 पॉम-पॉम मैंने क्रिएट कर लिए हैं और मैं जिनका जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसे टाई अप करने के लिए यूज किया था उसे काट लेंगे। अब हम इसके लिए मैंने लिया एक बहुत ही प्लेन स्वेटर, तो ये हाई नेक है, मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 इंच का मार्जिन छोड़ के जहाँ से हाई नेक स्टार्ट हो रहा है। पहले छोटा ही इसको मार्क कीजिए, अगर फिर कम लगे तो बाद में बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हाई नेक स्टार्ट हो रहा है, मैंने सिर्फ 1 इंच का गैप छोड़ के हमारा नेक मार्क किया है। पहले आप इतना ही मार्क करें, अगर आपको कम लगता है तब आप इंक्रीज कर सकते हैं, पर पहले ही बड़ा ना बनाएं, अदरवाइज वो छोटा नहीं हो सकता। और मुझे स्वेटर को क्रॉप भी करना है तो मैं यहाँ से इतना मार्क कर लूंगी। अब मैं इसे कट कर लूंगी। इसकी नेक और जो ये नीचे का जो हमने पार्ट काटा है इसे हेम करना है। हम नेक को हेम कर लेंगे। हेम करने के लिए मैं थ्रेड और निडल की हेल्प से स्टिचेस दूंगी। नेक हेम करने के बाद में हम लोग पॉम-पॉम लेंगे। तो
तो मैंने 5 पॉम्पॉम लिए हैं और मैं इन्हें इस तरीके से लगा दूंगी। इसके बाद में मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सारे पॉम्पॉम्स को अपने स्वेटर के नेक पे लगा लूंगी। अगर आप चाहें तो थ्रेड एंड निडल की हेल्प से इन्हें सिल भी सकते हैं। इसके बाद में मैंने ये स्वेटर लिया है। ऑफ शोल्डर का जो नेक होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी। यहाँ तक मुझे इसे सामने से मार्क करना है और इधर से मुझे यहाँ तक मार्क करना है। इतना मुझे ऑफ शोल्डर के लिए कट करना है। तो ये हमारे मार्क से जो हमने मार्क किए थे, अब मैंने ज्वाइन कर लूंगी और इसके बाद में कट कर लूंगी। एंड ये हमारा ऑफ शोल्डर स्वेटर तैयार है। इस स्वेटर का जो वुलन है वो कुछ ऐसा है कि इसमें से धागे बाहर नहीं निकलेंगे, बट अगर आप ऐसा स्वेटर लेते हैं जिसमें से जो धागे वो बाहर निकलेंगे तो आप उसे हेम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप उसे हेम कर सकते हैं अंदर की तरफ फैब्रिक ग्लू लगाकर। बाद में मैं कुछ पर्ल्स लूंगी और उन्हें रैंडमली लगा लूंगी। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इन पर्ल्स को रैंडमली लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं रैंडम तरीके से लगाऊंगी, बट फिर जैसे मैं बनाने लगी तो ये अपने आप में ही एक डिजाइन क्रिएट होती गई, तो फिर मैंने इसे वैसी ही शेप दे दी। अदरवाइज आप रैंडम भी लगा सकते हैं और अगर आप ऐसी कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो वैसे भी इसे लगा सकते हैं। लास्ट मैंने ये स्वेटर लिया है, इसे हम नीचे से वी शेप में काटेंगे। आगे से हमने वी शेप में कट की है, पीछे से हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ तक पूरा हटा देंगे। इसके बाद में हम एक स्ट्रेट कट बीच में से लगाएंगे। कौन से थे, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग जानना चाहते होते हैं कि मैं फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ, मेरी फेवरेट क्रीम कौन सी है, फेवरेट बॉडी लोशन कौन सा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग मुझसे काफ़ी पूछते रहते हैं कभी कभी। तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि 2018 में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए और उन प्रोडक्ट्स में से मेरे कौन से फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बेस्ट चीज़ वो ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आपको अपनी स्किन के हिसाब से, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है 50% ऑफ। और अगर आप एक कोड यूज करेंगे बेस्ट ऑफ 2018 तो आपको मिलेगा 75% ऑफ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी डील है। और सो गाइस, आप ये कोड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इसे ऐप में अप्लाई करेंगे, तो पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद में ही आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल सकता है आपको। लिंक्स जो है सारे प्रोडक्ट्स की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से रहे हैं 2018 के। ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बट आई विल टेल यू ऑनली द फेवरेट वंस। तो 2018 का मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है बायोटिक के प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे बायोटिक बहुत ही पसंद है। उसका रीज़न ये है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन टाइप होते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, इस सब पे अच्छे से जाते हैं। तो जो बेस्ट पार्ट है वो ये, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है एंड ये 100% इसमें बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो इसलिए ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। बायोटिक के मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बट जो मेरी फेवरेट है वो है ये सनस्क्रीन 50+ SPF सनस्क्रीन एंड बायो कोकोनट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है अच्छे से और आपकी स्किन को काफी ब्राइटन अप करती है लगाने के बाद में। सेकंड है निविया का बॉडी मिल्क, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो या आई रियली प्रेफर दिस वन क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है,
तो निविया का बॉडी मिल्क। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल काजल जो कि मेबेलिन का आता है। मैंने इसे गिव अवे भी किया था इसका, जिसमें मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिए थे, तो उसमें से एक काजल भी था कोलेस्ट्रॉल काजल। और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ही इंटेंस है, डार्क है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, 10 से 12 घंटे इजीली चल जाता है। नेक्स्ट फेस वॉश जो कि ऑयली स्किन के लिए अच्छा है वो है लोटस हर्बल्स का टी ट्री वॉश। ये एंटी एक्ने ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है इसे रिमूव करता है और पिंपल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास है प्लम के प्रोडक्ट्स। पहला ये फेस वॉश जो कि डीप क्लींजिंग करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, ये ग्रीन टी से बना हुआ है तो ये काफी यूजफुल है ऑयली स्किन वालों के लिए। दूसरा है मेरे पास ये मॉइस्चराइजर जो कि डीपली मॉइस्चराइज करता है बट एक मैट फिनिश देता है आपकी स्किन पे, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है क्योंकि एक मैट फिनिश जैसा इसका लुक आता है इसे लगाने के बाद में। गाइस ये थे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम 2018, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं बेस्ट ऑफ 2018, ये रहा कोड, तो आपको 75% ऑफ मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो या गाइस यू कैन गो एंड चेक इट आउट। दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, न्यू टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जिनके काम आ सकता है। एंड या सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें। आई सी यू गाइस, बाय।